अभी हम जोशीमठ के करछी गांव में मौजूद हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक ऑर्गेनिक गांव है। और ठीक अपने पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये घराट है, इसे घराट कहते हैं और यहाँ पर आटा की पिसाई की जाती है और बिना बिजली के ये यहाँ पर चलता है, पंचक्की इसको कह सकते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो इनके संचालक हैं वो मौजूद हैं। कैसे हैं, क्या नाम आपका है? राय सिंह फरसवान, ग्राम करछी गाँव। जी हाँ राय सिंह जी, किस तरह की ये चक्की है, कैसे ये काम करती है? ये काम जैसा, ये काम इस ढंग से करता है जैसा इसमें पानी आएगा तो ये असली पानी से करता है ये काम। ये पानी कम है तो पिसाई कम करेगा, पानी अगर फुल है तो वैसा काम करेगा। 2 क्विंटल भी पी सकता है ये, 1.25 भी पी सकता है और आजकल 1.5 क्विंटल पी सकता है, क्यों पानी की कमी है आजकल। ऊपर बर्फ जम गया, पानी जम गया तो पानी कम आता है। तो करछी गांव के अधिकांश जो लोग हैं कोई क्या है, वो अपना आटा यहीं पे पिसवाते हैं? सब यहीं पीसते हैं। वैसा गांव में चक्की भी है लेकिन इतना पिसाई नहीं होती है, लेकिन खाने का वहाँ नहीं पीसते। खाने का जितना भी है सब यहीं आते लोग, बस इसी में पीसते लोग। तो इसका आटा बड़ा टेस्टदार होता है, क्या गाय के लिए हो चाहे आदमी के लिए हो, तो इसका आटा के आगे कहीं कोई आटा नहीं होता। दरअसल जी इसमें बिजली की कोई खपत है कैसे? नहीं, बिजली का कोई खपत नहीं, केवल पानी का खपत है इसमें। ये जो है ये चक्की, ये पत्थर की चक्की जो है पानी से चलता है ये, इसमें बिजली का कोई मतलब नहीं। क्यों, इसमें ऑटोमेटिक बिजली का अलग होता है, उसमें पूरा मशीन और इसका अलग होता है। तो मतलब इसमें 1 रुपये का भी आपका खर्च नहीं है? नहीं नहीं, इसमें खर्च आता है। कभी खराब हो गया है तो 2-2 आदमी, इसको देखो इतना बड़ा पत्थर, इसको इधर भी रखना है। कभी मोटा मोटा निकालने बैठ गए तो इसको इधर निकालते हैं तो जो हथौड़ी होता है उससे हम पूरा इसका जांच करते हैं, तो हथौड़े से उसको जहाँ पर मोटा हो रहा है उसको निकाल देते हैं। तो उसको निकालो, उसके बाद रखो, तो अगर इसने चारों तरफ अगर बिल्कुल बारीक बना दिया तो इसको सरकार को कुछ देना होता है इसका टैक्स? अब माफ़ कर दिया सरकार ने, पहले 24 रुपये पड़ता था। हाँ, ये वैसा 3 महीने का घराट है ये, केवल बरसात ही बरसात का घराट है ये। वैसा अब ये जम जाएगा ना, जो बर्फ पड़ेगा पानी जम जाएगा, घराट बंद रहेगा, उसका किस्त नहीं मिलता। करछी ये गाँव है, यहाँ शीतकाल में पूरी बर्फ यहाँ गिरती है और ये पानी जो है वो जम जाता है, उसके बाद ये घराट भी बंद हो जाता है। लेकिन इस बार बर्फबारी कम हुई है जिसकी वजह से ये घराट अभी भी चल रहा है। और चलते हैं आपको बाहर दिखाते हैं, एक ही ये खासियत इस गांव की नहीं है कि यहाँ पर घराट हो, यहाँ पर ऑर्गेनिक गांव, हम इसीलिए इस गांव को कह रहे हैं क्योंकि और भी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक हैं। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने साथ में कि ऑर्गेनिक पूरा ये गाँव हम क्यों कह रहे हैं। ये एक डेयरी है और गांव के समूह के द्वारा ये डेयरी यहाँ पर ईजाद की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये सैंपल चेक करने की ये मशीन है, इसमें सैंपल चेक होंगे और उसके बाद यहाँ पर जो दूध दही या बटर जो है वो बाहर के लिए सप्लाई किया जाएगा। और ये मशीनें किस तरह काम करती हैं वो इसके ऑपरेटर बताएंगे। आप जो डब्बा आप देख रहे हैं इसमें घी की पैकिंग हो रही है और ये घी बद्री गाय का घी है और बहुत टेस्टी और पौष्टिक ये घी है और 1200 रुपये समथिंग किलो ये घी यहाँ पर है। और आपको और आगे हम दिखाएंगे कि ये बटर है पूरा ऑर्गेनिक हम इसे कह सकते हैं और बद्री गाय का ये है। इसकी प्राइस क्या है, हम बातचीत कर लेते हैं उन लोगों से जो यहाँ के संचालक हैं। और भी कुछ ये दिखा रहे हैं, देख लेते हैं। ये एक मशीन है और आपने, मुझे लगता है कि पहली बार ही ऐसी मशीन देखी होगी। इस मशीन से क्या प्रोसेसिंग ये हो रही है, मैं बात करूंगा जो यहाँ पर संचालक है। क्या कुछ कर रहे हैं आप भाई साहब? ये यहाँ पे हम बद्री गाय का गाँव से दूध कलेक्शन करते हैं। बद्री गाय छोटी होती है जिसमें 1 किलो 1/2 किलो दूध सब गाँव का दूध कलेक्शन होके यहाँ ले आया जाता है। गाँव वाले इसको एक आदमी के, हमारे भाई साहब हैं, उनको दे करके यहाँ पे दही बना करके, मक्खन बना करके और घी बना करके पूरे देश विदेशों तक ये घी जाता है। केवल मशीन किस तरह है, कैसे काम ये मशीन करती है, किस चीज़ की मशीन है? ये मशीन जो है हम इसमें दही दूध डालते हैं, दही बनता है, दही से इससे मक्खन बनता है, फिर मक्खन को हम इसी से मक्खन निकाल करके मठा अलग करके फिर इसी में घी बनाते हैं। बस सब कुछ यही मशीन करती है, सब कुछ यही मशीन। हाँ, मशीन के द्वारा यहाँ पर घी बनाया जा रहा है और मठा भी यहाँ पर बनाया जाता है। ये प्रोसेसिंग एक छोटा सेंटर हम कह सकते हैं यहाँ पर बनाया गया। और भी यहाँ पर संचालक हैं, बातचीत उनसे कर लेते हैं। मैं पर डे का दूध मई जून में 150 क्विंटल आसपास आ जाता है, 2 क्विंटल के आसपास आ जाता है और फैट के अनुसार जो रेट जुड़ रहा है हम पे, और वो भी फिर भी कंपनी उसमें
1000 रुपए किलो लगा रही है और कंपनी को मैं मानता हूँ ये बेहतर आगे चलना चाहिए, इसमें समिति का बेनिफिट होना चाहिए, गांव का विकास आगे बढ़ना चाहिए और गवर्नमेंट का जो मानक बना है 4 रुपये बोनस के हिसाब से मिल रहा है जो फैट के अनुसार, वो नहीं मिल पा रहा है। और जो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे 150 रुपये रोज़ का मिल रहा है, उसमें भी अगर कंपनी फैट के अनुसार चलेगी तो मैं लॉस खा पा रहा हूँ। मैंने पिछले बार 1192 लीटर दूध भरा था और उसमें 57 kg घी निकला था फैट के अनुसार, तो 57 kg का हमने पेमेंट हमारा किया था 52,000 दूध वालों के किया था, उसमें खर्चा मेंटेनेंस करके जो है लगभग 60,000 का खर्चा आया था। तो कंपनी इसमें 5 किलो बकाया मेरे पे लग चुका है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो घी 12 का मेंटेनेंस नहीं जाएगा, 1000 के प्रोवेस से जाएगा तो उसमें कंपनी नहीं चल पाएगी। मैं समिति से या विभाग से सारी रिक्वेस्ट, काम बेहतरीन है लेकिन जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनको नुकसान भी कभी उठाना पड़ सकता है। साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मशीन है और इस मशीन के बारे में यही यहाँ पर बताएंगे, जो मशीन यहाँ पर लगाई गई किस तरह की मशीन, क्योंकि मिलावट की भी लोगों को आशंका है। इसमें मिलावट की तो कहीं वही नहीं है, अगर मिलावट होगा मशीन दिखा देगी, अगर इसमें मिलावट होगा तो मशीन दिखा देगा, मशीन बता देगा कि इस दूध का इतना कीमत है, इस घी का इतना कीमत, वही बता देगा ये बद्री गाय का दूध है कि दूसरा गाय का दूध है, मशीन सब कुछ दिखा देगा। ये हमको जो है यहाँ पे आंचल मिल्क प्रोडक्ट उत्तराखंड का एक बड़ा ब्रांड है और उसने इस सेंटर को हायर किया है और साथ में और भी आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट गांव वालों के द्वारा यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और उसके बाद आंचल दुग्ध फैक्ट्री जो शिमली में है वहाँ पहुँचाया जाता है। लक्ष्मण सिंह राणा, ETV भारत, जोशीमठ, कच्ची गाँव।